हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेल, लास्ट वीक हमने हमारे चैनल पे 44 मूविंग एवरेज वाला अपडेट वीडियो डाला था। अगर आपने अब तक वो स्ट्रेटेजी नहीं देखा है तो उसे जरूर चेकआउट करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज के वीडियो पे चलते हैं। आज हम जो स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करने वाले हैं, हम इसमें हाइकेनाशी कैंडल यूज करेंगे। बहुत लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट किया था। हाइकेनाशी वॉज डेवलप बाय मुनीशा होमा इन 1700। इवन दो कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल कैंडल जैसा ही है, बट इसको कैंडल स्टिक बोलना गलत है। दिस इज मोर ऑफ एन इंडिकेटर देन अ कैंडल स्टिक। जैसे नॉर्मल कैंडल स्टिक में हम ओपन, हाई, लो, क्लोज होता है, हाइकेनाशी कैंडल में इनका मॉडिफाइड एवरेज निकालते हैं और चार्ट में प्लॉट करते हैं। दिस गिव्स द चार्ट अ स्मूदर अपीयरेंस, मेकिंग इट इजियर टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड रिवर्सल। बट गैप्स और कुछ प्राइस का डेटा लॉस होता है। जिसको हाइकेनाशी का फॉर्मूला जानना है, स्क्रीन में फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखता है हाइकेनाशी। सो चार्ट में कैंडल्स में जाके हाइकेनाशी को सिलेक्ट करने का कंपैरिजन देखिए, होली सिंप्लीफाइड हो गया ना। चलिए इसका स्ट्रैटेजी ज़रा देखते हैं। बेसिकली हाइकेनाशी में जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है बिना टेल के, जैसे ये वाला देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। आप देख सकते हो यहाँ से कहाँ तक गया। वैसे ही जब भी एक रेड कैंडल बनता है बिना हेड के तो बहुत अच्छा सेल सिग्नल होता है। जैसे इधर देखिए, आपने हाइकेनाशी पे बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है तो सब प्रोफेशनल ट्रेडर इसे क्यों यूज़ नहीं करते। इसका जवाब मैं आपको इंट्रो के बाद दूंगा। तो चलिए इंट्रो के बाद हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, जहां हम हाइकेनाशी स्ट्रैटेजी को 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के इन चार स्टॉक्स में। और इन्हें अपने वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया आ सके कि इंडियन मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो सबसे पहले हम हाइकेनाशी को प्लॉट करते हैं और इसको 200 EMA के साथ हम क्लब करेंगे। सो स्ट्रैटेजी सिंपल है। जैसे ही आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगा विदाउट अ टेल और ये कैंडल शुड बी अबाउट 200 EMA, तो आपको ये दो कंडीशन जैसे ही मैच होगा तो आपको इसके क्लोज पे बाई करना है। स्टॉप लॉस वुड बी लो ऑफ द कैंडल, जो ये केस में ओपन और लो दोनों सेम है, और टारगेट रहेगा 1.5 टाइम्स द रिस्क। स्ट्रैटेजी सिंपल है राइट, बट एक्चुअली ये रॉन्ग है। इधर ही आपको ऑलमोस्ट सब यूट्यूबर्स, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है, उल्लू बना रहे, या तो उनको खुद को नहीं पता। ये जो एग्जांपल है आप जैसे हमने देख सकते हो, इसको जब आप नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट करोगे ना, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो बाई प्राइस है, नेक्स्ट कैंडल कभी उस प्राइस पे आया ही नहीं, और हाइकेनाशी कैंडल में एंट्री लेके टारगेट भी हिट हो गया। ऐसे ही यूट्यूबर आपको उल्लू बना रहे और फिर आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हो और वर्शिप करते हो। बात यह है कि हाइकेनाशी एक कैंडल नहीं है, इट्स एन इंडिकेटर। ये हम लोग को सब समझना चाहिए। अब सिंस इट्स नॉट अ कैंडल, सिंस इट्स नॉट अ प्राइस, सो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सो बैक टेस्टिंग के लिए हम ट्रेडिंग व्यू में जब आप सर्च करोगे ना, आपको दुनिया भर के इंडिकेटर्स मिलेंगे हाइकेनाशी के ऊपर। मैंने एक आपके लिए कोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बेसिकली ये जो कोड किया है, बेसिकली मैंने जो कोड किया है इसमें एक आपको हाइकेनाशी दिखेगा जो नीचे दिख रहा है, और एक नॉर्मल कैंडल जो आपने नॉर्मल प्लॉट किया हुआ रहेगा स्क्रीन पे। तो ये रहा सेटअप। चलिए रूल्स डिफाइन करते हैं। रूल्स फॉर बाय एंट्री, फर्स्ट रूल द प्राइस शुड बी अबाउट 200 EMA। सेकेंड रूल, आपका जो हाइकेनाशी चार्ट है इसमें आपको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए विदाउट अ टेल। एंट्री आपको ये जो ऊपर नॉर्मल कैंडल है जो फॉर्म हुआ एंट्री कैंडल के वक्त, तो उसके क्लोज पे बाई करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको हाइकेनाशी वाला चार्ट से मिलेगा। यहाँ पर ये जो ग्रीन एंट्री कैंडल है, इसका जो लो या फिर ओपन दोनों सेम है इस केस में, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये वैल्यू आप चाहे तो कर्सर इस पे रखोगे ना तो भी आपको दिख जाएगा कि क्या है इसका लो या ओपन प्राइस। ओके, तो टारगेट यहाँ पर 1.5 टाइम्स द रिस्क। आई होप स्ट्रैटेजी समझ रही है। तो चलिए रूल्स फॉर सेल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट रूल, द प्राइस शुड बी बिलो 200 EMA, एंड ये जो नीचे हाइकेनाशी चार्ट है इसमें एक रेड कैंडल बनना चाहिए विदाउट एन हेड। लास्ट केस में टेल था, इसमें हेड नहीं बनना चाहिए। एंट्री आपको जो नॉर्मल कैंडल है इधर ऊपर, इसका क्लोज पे लेना है। स्टॉप लॉस ये जो नीचे हाइकेनाशी वाला चार्ट है इसमें, जैसे इसमें वो रेड कैंडल बन रहा है एंट्री के लिए, उसका जो हाई है या फिर ओपन है आपका, वो स्टॉप लॉस है। टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क।
सो स्ट्रैटेजी इज क्लियर आई थिंक। चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विनेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। आप कंप्लीट टेस्ट को यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, आउट ऑफ विच 32 वॉज विन एंड 68 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 32%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज -17.82% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -19.49%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 7। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 0.263 मंथ्स। जैसे आप देख सकते हो टेस्ट रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली बैड। यू आर लूजिंग मनी बाई यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी ऑन सच अ लो टाइम फ्रेम। और आपको दूसरे यूट्यूबर हाइप करते हैं कि ये गोल्डन स्ट्रैटेजी है, ऐसा बड़ी बड़ी क्लेम करके। आपको ये सब समझना चाहिए कि ये सब बातों में आपको नहीं आना है और आपको खुद ही टेस्ट करना है ये क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए। सो आई एड दिस स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस ऑब्वियसली टेक्स द लास्ट पोजिशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक। So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको UPI ID स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ डोनेट कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट में आपका फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर वीडियोज़ में टेस्ट करें ये भी बताइए। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हैं और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियोज भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.